I go ahead, I would like to give you a brief introduction. My name is Mohsin Raza and uh, recently I came from England, been living there for the last 16 years and I studied from Beth uh, University back in 2008. I did master in English Literature, taught in different institutions there in England, working for uh, big companies there. So I thought why not to tell you something about communication, which is today's topic. वो कम्युनिकेशन स्किल है कम्युनिकेशन एक महारत है गुफ्तु का अंदाज़ कि आप किस तरह गुफ्तु से दूसरों को मुतासर कर सकते हैं और आपकी किस तरह अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर डे टू डे लाइफ और इन योर सोसाइटी एंड हाउ कैन यू बी Uh, perfect in communication. के लोग आपकी बातों को सुने होता यह है कि हम बातों को सुनते ही नहीं है उसकी वजह यह है कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है टू नहीं है क्लियर नहीं है आप प्रोफेशनल लाइफ को देख लें आप अपनी फैमिली लाइफ को देख लें आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लें अगर आपकी कम्युनिकेशन जबरदस्त है तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो सबसे पहले जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे

मुकम्मल तौर पे सुकूत होना चाहिए आपकी जिंदगी में जब आप किसी को सुन रहे हैं आपकी ऑडिबिलिटी सेंस जो है वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए जब आप चीजों को सुन रहे हैं साइलेंटली इट मीन यू गेटिंग समथिंग यू गेटिंग समथिंग जब आप सुनेंगे तो फिर ही आप उसका मोस्टर इफेक्टिव जवाब दे सकेंगे और अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्या होगा तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वोट एम सेंग इज द पर्पज ऑफ माई कम्युनिकेशन दैट आई वॉन्ट यू

है। आपने अपनी बातों को शेयर करना है लाइफ में शेयरिंग करें कुछ लोग आपकी बातें नहीं सुनना चाहते बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें आपकी इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है तो आपके इंटरेस्ट की अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने डिग करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है नाम याद रखें लोगों के अगर आप नाम याद रखेंगे मैं आपको नाम से मुखातब करूंगा तो आप मेरी बात को ज्यादा अटेंटिवली सुनेंगे यस हे रिमेंबर माई नहीं उनके क्या ट्रेड्स हैं उनको याद रखें उनको मौका दें वक्त दें उनको आप अच्छे तरीके से डील करें तो दैट इज अम्युनिकेशन तो सबसे पहले आपने सुनना है लिसन जब आप सुनेंगे तो फिर चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे और व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू वुड एक्सप्रेस एंड हाउ कैन यू एक्सप्रेस टू स्पीक एंड फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस तो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट यू कैन डिवेलप कम्युनिकेशन इज एन आर्ट यू कैन डिवेलप एंड लैंग्वेज इज एन आर्ट यू कैन डिवेलप सो इट विल कम Steadily. With the passage of time, you would, if you work on that, just say, you will become rich man. I have a very simple examples. I was in England. I was working for Scottish and Southern Energy back in 2006, and I was very much bad in selling things. My job was knocking doors. I used to knock doors, and I was working for a big, big company, second largest supplier in the country, which used to supply, which still supplies gas and electricity on a domestic and uh, <coughs> corporate levels. I didn't

बैठा बैठा ख्याल आया कि बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए तो ऐसे ही नोकिंग की वन टू थ्री फोर तो क्या किया आई ब्रॉट स्माइल ऑन माई फेस स्माइल इज एन एक्स्ट्रा माइल इज फ्री यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग स्माइल 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 यू 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 ऑल डोंट डोंट हैव हैव टू इफ टू पे एनीथिंग अगर आप वो देखें वो भाई स्माइल कर रहे हैं उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे ही इज नॉट बाइंग स्माइल फ्रॉम एनी लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये पता चला यार नहीं

हम कोई स्टैचूज नहीं है वी ह्यूमन बींग्स अल्लाह हैज गिवन अस फीलिंग्स इमोशंस हमने उनको यूज करना है ये ऐब ही नहीं मिले ये स्माइल का कोई मकसद है अपने पापा से बात करेंगे ना मम्मी से अबू जी पाँच सौ जाइए अच्छा यार ये लो नो प्रॉब्लम बच्चा बड़ा सा। मिलेंगे यार आपकी बड़ा स्माइल ही नहीं है फिर तालियाँ कहता तो नहीं मिलते मिलेंगे अंदाज होना चाहिए यही तो आपके अंदर अंदाज हो पैदा करना कि जैसे आपको पांच सौ मिले ये नहीं कि जाकर उनसे मांग लेने अभी आपने अब देने की एज है क्या बात क्या ख्याल है अब देने की उम्र बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ दिस वोड आई मीन टू से

करके कम्युनिकेट करके चीजों को हासिल करना है जो एंड है वो लर्निंग भी हो और उसमें बेनिफिट भी हो आप अपनी लाइफ में लर्निंग भी कर, आपके अंदर होना चाहिए माइंड में और अर्निंग भी होना चाहिए यू आर ऑल टू लर्न एंड तो मुझे यकीन है जिस शौक के साथ यहाँ पे आए हैं जो अंदर दिल में एक आवाज है वो पूरी होगी आई चल यू माई स्टोरी वन आई वॉज स्टडिंग आई वॉज डूइंग मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर Long time ago, and I wanted to go abroad for higher education. So I selected. I thought I should go to two countries. Number one, U.S. Number two, United Kingdom. Then, because I English literature, so I said, "Why not go to England? I'm studying literature." So, before going, there was a voice, a shock, a shock, excitement. And I worked on that. I fulfilled it. I went there. I studied. I made a lot of money. एंड देन सो मेनी कंट्रीज इवन आई टॉट इन यू तो आज आपके अंदर ये लगन है ना कुछ बनने की तो आप जरूर बनेंगे उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी जस्तुजू अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए तो आप जरूर करेंगे कोई बंदा कोई बंदा नाकाम नहीं हो सकता नव वन आप जितने भी लोग हैं कामयाब होंगे क्योंकि आपने माशरे को लेकर चलना है आपके अंदर एक सोच आई है डिवेलप हुई है एंड यू विल बी समिंग ओनली यू नीट वर्क हार्ड फॉर दैट तो अगर आप अपने आप को कह देंगे नहीं आधे रास्ते पर जाके नहीं मैं नहीं कर सकता तो इट मीनस कि सबसे पहले आपने अपने आप को नो कर दिया और फिर पूरी दुनिया की चीजें फिर नो ही करेंगी दे गो अलॉन्ग विद यू बट इफ यू से देन यू विल सोच इट आउट हेल्प आउट बाई एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एल गो टू योर डेस्टिनेशन रिमेंबर तो तमाम चीजों का जो खासा है जो तमाम चीजों का जो एक, एक कह लें आप एसेंस है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है

इकबाल को इलामा इकबाल को फॉलो करते थे रिलीजियस लोग करते हैं कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं यह जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं कितना बड़ा शेर लिखा फॉलो करें आप भी जब आप फॉलो करेंगे तो आप में वो क्वालिटीज आ जाएंगी और जब मैं वो क्वालिटीज आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप भी करीब करीब होंगे बहुत सारे ऐसे लोग देखे जीरो से हीरो बने हैं और बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो हीरो से जीरो बने हैं याद रखिए यू हैव टू कैरी ऑन कभी थके मत कभी भी ना थके जिंदगी में चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ अभी रिसेंटली आई वॉज वर्किंग फॉर स्कॉटिश पावर स्टिल वर्किंग फॉर स्कॉटिश पावर ऑन हॉलीडेज इन इन पाकिस्तान फॉर फ्यू मंथ्स फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी पीपल द वर्किंग इन द कंपनी तो आई वॉज नंबर वन तो मुझसे आके मैनेजर्स और जो सी ई ओज कंपनी के भी कैसे आप ऐसा कर लेते हैं मैंने कहा लगन जिस तो मैं कभी नेगेटिव होता ही नहीं हूँ मेरी कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव रहती है मैं अपने आप से कम्युनिकेट करता हूँ सुबह उठ के यार आज का दिन बड़ा अच्छा होगा And it happens ये ऐसा होता है आप सोचेंगे यार आज का दिन मेरा बड़ा ही खूबसूरत होगा it happens वो दिन खूबसूरत होता है यार और जब आप कह देंगे मेरा दिन आज खूबसूरत नहीं होगा जो सोचोगे वो होगा लेकिन होगा कैसे उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी अपनी गुफ्तगू को अंदाज बयां को इतना खूबसूरत बनाना होगा कि लोग आपकी बातों को खैर दैट वाज Very little introduction of communication anywhere. If you want to be successful in your day-to-day -day life, in your family life, in your business life, you need to work on your communication because that is a skill that can be developed, that can be learned by the passage of time. It's not going to be, you know, taken overnight. Obviously, it will take a little time. You need to read books. So reading is very, very important. book, That will give you a proper guidance. Up mubbalak ban sakte. doctor ban sakte. आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं आप जो चाहे बन सकते हैं मुख्तलिफ़ राइटर्स uh, को पढ़े न्यूज़ पेपर पढ़े डेट वल्सो अफेक्ट ऑन यू तो लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट साइलेंटली लोगों को सुने फिर ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने थॉट्स को अपने इमोशंस को अपने आइडियाज़ को और फिर ही आप एक उसको शक्ल दे सकेंगे एक खूबसूरत बयान की नहीं इस बंदे की बात में कोई दम है सो इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज के जैसे आप एनेबलर्स के लिए काम कर रहे हैं <coughs> सीख रहे हैं what language they speak mostly they speak english language mostly you are uh, communicating with americans with the uh, british english people with aussies people from australia new zealanders people living in new zealand people living in europe for that you need to improve your english skills as well what is language what is parlance what is what is language actually you have to make people understand what do you want to say you don't have to become very impressive in front of them. No, you don't have to use very difficult, very complicated words. you have to use very easy words. you have to communicate with people. you don't have to involve them in. Sort of kind of शुरू कर दू इंग्लिश की और बहुत फास्ट फायदा नहीं होगा मेरा मकसद ये है कि आपको फायदा हो तो वो फायदा ना हो आपका टाइम वेस्ट हो जाए तो फिर तो हमने टाइम जया कर दी तो आप लैंग्वेज को कम्युनिकेशन को इसलिए यूज करें कि आप जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो क्लियर हो आप लोगों की बात को समझ सकें और लोगों को अपना मकसद समझा सकें दैट ऑल फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस सर आई कॉन्ट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश माय कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी बैडकोर्स योर यंग मैन योर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी बहुत एजुकेटेड लोग होंगे दे कॉन्ट स्पीक

देखिए जी पेट्रोल ज्यादा हो गया है देखें जी की मजा क्या बिजनेस टेक्निक उसने यूज़ की है क्या उसने जनाब आप कहते हैं चलो ठीक है और बाद उसका तैसा होता है दिल के कम टू यू बाज का तैसा होता है कि आप उसको टिप भी देते दे यार कोई बात नहीं तुम्हारा तुम्हारा रवैया बड़ा अच्छा था तुम्हारा एटीट्यूड पूरे सफर बड़ा जबरदस्त था ना तुमने स्मोकिंग की यार तुमने गपशप भी लगाई मजा आया यार भाई अपना नंबर तो देना जरा आठ जिंदगी में अगर आपने जीना है ना तो आपको फन से जीना पड़ेगा अपने अंदर एक आर्ट को जन्म देना पड़ेगा तो फिर ही लोग आपसे इम्प्रेस होंगे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कन्वर्सेशन करते हैं क्योंकि आपका बाइंग एंड सेलिंग का बल्कि सेलिंग का काम है आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं और आपने आगे चीज़ें बेचनी है यही काम है उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपकी जो कम्युनिकेशन है ना आपके प्रोडक्ट्स की वो आनी चाहिए वो ना जिंदा ना ना भी हो उसको अपनों लफ्जों से जिंदा कर देना है ऐसा बना देना है कि लोग क्या यार इसी बंदे से यही चीज लेनी है यही चीज लेनी है तो वो जिंदा आपने करना है वो जिंदा कैसे होगा वो नॉलेज से होगा और फिर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें ऐड करनी है वो रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ये आइटम है फ्ला फ्ला इसमें क्वालिटीज हैं चीजों में प्रैक्टिस करें जहां पे आपको लगता है मैं कमजोर हूँ उस कमजोरी को पकड़ लें और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना उसको कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं उसको पॉलिश करें उसको यूज करें <laughs> उसको करे. the आप में से जो लोग बैठे हैं इसमें से इनशा आने वाले कुछ सालों में महीनों में लेकिन उसके लिए आपको जरा ऊंची आप सबसे मेरी आवाज ऊंची है वैसे. उसके लिए आपको, yeah. अपने अंदर से जो एक हेजिटेशन है ना जो हिचकिचाहट है जो डर डा, है है खौफ है, उसको निकाल के बाहर मारे और फिर आप आपकी कम्यूनिकेट उसके लिए नंबर वन नीड टू लिसन यू नीड टू रीड मैक्सिमम वॉच टेलीविजन बड़े बड़े लोगों की बातों को सुना करें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ये नहीं बने हैं इज समथिंग इन दे हैव बिकम बिग पीपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिखाई दुरुस्त हो तो फारसी में कहते हैं मीनवीस मीन मीन लिखता जा लिखता जा लिखता जा क्या होगा वन डे यू विल बी वेरी गुड राइटर if you want to be a very good communicator, speaker, then speak, speak, speak. you will be a very good speaker. and wherever you find yourself very weak, then try, start try, trying on that particular thing. and you will see that that is going to be your strength one. ho, then speak english. look, you got a very mashallah big community here. keep talking with your friends, with your class fellows. keep sharing your views. just a beginning, share, you need to, as far as english language is concerned, ट विदीपल यू नीट टू स्पीक इंग्लिश विद द पीपल किन किन बच्चों को शौक है वैसे हाथ खड़ा करें जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी हो यार आजा. आज बता दूं। बड़ी मुश्किल इंग्लिश के बैर तरक्की कर व्हाट्सएप खोल लें तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से गूगल पे चले जाए सारी इन्फॉर्मेश में क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है दिस इंटरनेशनल वेर यू गो इन द वर्ड यू नीट टू टॉक विदल इन इंग्लिश लैंग्वेज नॉट इन नॉट इन पंजाबी नॉट यू लोकल लैंग्वेज यू हैव टू सो यू हैव टू वर्क ऑन डैट फॉर देट यू नीड टू रीज न्यूज़ फाइपर्स बर्क यूट्यूब भरा पड़ा है ये वो तमाम चीज़ें हैं आपकी कम्यूनिकेशन बेटर हो सकती है उसमें बहुत सारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने डिस्कस की है पूरी रात बोलते रहें तो बहुत सारा मटीरियल है ये मोटी मोटी बातें अपनी लिसनिंग्प्रूव करें सबसे पहले हम सुनते नहीं हैं ये हमारी कॉम के अंदर थोड़ा सा ज़रा मसला है हम हमने सुननी नहीं है अपनी बात करनी है तो वो सारी वो आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती हैं खामोश रहना सीखें खामोशी सोना भी है साइलेंस इज गोल्ड तो ऐसी बातें करें कि आप दिल में उतर जाएं दिल से ना उतर जाएं ऐसी बातें करें ठीक है Anyway, it's a, it's a long story short. Improve your listening, and if you're improving your listening, then you can understand things. And if you understand things, you can express your emotions. And if you express your emotions, you need a language. And for language, you need a practice. A practice makes a man perfect. It's a very famous maxim. So you need to keep on working hard on that, and you would find yourself a very different person.